अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ हसन फारूक। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। तो गाइस, मौसम काफ़ी हद तक चेंज हो चुका हुआ है और मैंने अपने ग्रीन रिंग नेक पैरट के लिए बॉक्स को इंस्टॉल कर दिया है और फीमेल ने आते साथ ही अपनी इंटरेस्ट शो कर दी है। ये जो पेयर है, जैसा कि मैं पहले भी अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, 20 ईयर प्लस हो चुका हुआ है फीमेल की एज, और मेल गालबन जो कैप्टिविटी में आते हुए मेरे पास 10 साल कम से कम इसको हो चुके हैं। जिस वक्त मैंने इस मेल को ख़रीदा था, तब इसकी जो है तब प्राइस वैल्यू तब 1300 रुपये में मैंने ख़रीदा था, और आज ये मेल शायद मार्केट से जो है 5-6 हज़ार से कम ना मिले, और ये तकरीबन 8-10 साल से मेरे पास ब्रीड कर रहे हैं। यहाँ पे जो मौसम है, इस टाइम रात का मौसम ठंडा हो जाता है, हवाएं ठंडी चलती हैं, और जो दिन है वो गर्म होता है। मेरे मुताबिक परिंदों के लिए बहुत ही ज़्यादा आइडियल टेम्परेचर होता है, लेकिन मेरे परिंदे इस मौसम में ब्रीड नहीं करते। नॉर्मली मेरे परिंदे जो पैरट्स फैमिली है वो जनवरी से जो है ना जनवरी के बाद ही ब्रीड करते हैं, लेकिन चंद एक जो है एक आध पेयर कर जाता है दिसंबर नवंबर में, लेकिन मोस्टली मेरे बर्ड जो है ना जनवरी फरवरी में ब्रीड स्टार्ट करते हैं। तो अभी फीमेल बहुत ज़्यादा अपना ब्रीडिंग बिहेवियर शो कर रही थी मेल के सामने, तो लेकिन आप देखते हैं ये जस्ट क्योंकि सम टाइम बॉक्स की इंस्टॉलेशन के बाद परिंदा बॉक्स में टाइम देना तो स्टार्ट कर देता है, अपना नेस्ट जो बनाता है उसकी जो वुड शेप हम लोगों ने ऐड की होती है उसको वो जो है अच्छी तरह से उसको मज़ीद क्रश करके पाउडर फॉर्म में ले जाता है। तो अभी फ़िलहाल मेरे ख्याल में एक माह तो ये यही काम करेगी नेस्ट बनाने में, और उसके बाद देखते हैं क्या सूरत हाल है। मोस्टली ये मेरा पेयर फॉस्टरिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है, जब रा के अंडे आते हैं या रा के मैंने बच्चे उठाने होते हैं छोटी उम्र में, तो मैं इसके नीचे मज़ीद 8-10 दिन पलवा लेता हूँ, और जब इस काबिल हो जाते हैं कि मैं उनको फर्दर हैंड फीड करा सकता हूँ तो फिर मैं यहाँ से उठा लेता हूँ। लास्ट ईयर इस फीमेल से मुझे कोई भी क्लच नहीं सही से आ पाया, दोनों क्लच में डेड इन शेल रहा, 5-5 अंडे हर क्लच में आए, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। लेकिन इस साल देखते हैं क्या सूरत हाल रहती है, क्या पता इसकी एज ज़्यादा होने की वजह से ये माजरा ना हुआ हो। बहरहाल इस क्लच में पता चल जाएगा, एज तो इसकी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और बाकी परिंदों को भी मैंने बॉक्स इंस्टॉल कर दिए हैं, अब देखते हैं कौन सा पेयर जल्दी ब्रीड करेगा। सन कनोर ने लास्ट टाइम में सबसे पहले ब्रीड स्टार्ट की थी नवंबर में, मेरे पास उसकी जो है ब्रीड आ गई थी। एशियन पैरट्स की नेचर सबसे ज़्यादा बुरी लगती है इनमें, कि ये फीमेल्स सिर्फ और सिर्फ फ्रेंडली तब मेल्स के साथ होती हैं जब ये ब्रीडिंग या मेटिंग कर रहे हैं, उसके बाद जब ब्रीडिंग सीज़न इनका ऑफ हो जाता है फिर इनकी आपस में नहीं बनती, और यही बिहेवियर शो करते हैं सारा सीज़न, जिस तरह इस टाइम ये शो कर रही है फीमेल अपने मेल के लिए। लेकिन रा में मैंने जब से पेयर रखे हैं मुझे कभी भी इस तरह का मामला दरपेश नहीं आया, बड़ा फ्रेंडली होते हैं वो, कभी भी नहीं लगते, थ्रू आउट द सीज़न फ्रेंडली ही रहते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में प्लम हेड, रिंग नेक पैरट ग्रीन जो है ये, और स्लेटी हेड, इनका यही है एक सिनेरियो कि ये लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, और बाकी जो अदर एशियन पैरट्स हैं मालाबार और कुछ पिन टेल समथिंग, कोई इस तरह के लॉन्ग टेल पैरट्स हैं जो इसी एशियन पैरट्स में, उनका मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। तो अब अपनी दुआओं में याद रखिएगा जी, इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट आएगी आप लोगों से मैं ज़रूर शेयर करूंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।